राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। बेटे की चाहत में एक पति पत्नी इतना आगे बढ़ गए कि एक मासूम को किडनैप कर लिया। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल 27 मई को जयपुर के सांगनेर चौराहा के पास पुलिया निर्माण का काम चल रहा था। पुलिया निर्माण में मजदूरी पर लगे पति पत्नी का 9 महीने का बेटा बेलागासा होटल के पास पुलिया के नीचे बड़े भाई के साथ खेल रहा था। 27 मई को दोपहर करीब 4:30 बजे मासूम गायब मिला। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला। 9 महीने के मासूम के लापता होने की सूचना एयरपोर्ट थाना पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत आसपास लगी सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में बाइक सवार पति पत्नी बच्चे को किडनैप कर ले जाते दिखे। मामले में गिरफ्तार आरोपी रमेश कुमार और उसकी पत्नी पायल से पुलिस की पूछताछ में सामने आया, रमेश और पायल के कोई भी बच्चा नहीं था। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। रमेश ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली पत्नी के 4 बेटियां थी, लेकिन बेटा नहीं था। बेटे की चाहत में रमेश ने नातापिता से पायल से शादी कर ली, लेकिन पायल के भी 7 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी लड़का नहीं हुआ। इतना ही नहीं, रमेश ने IVF तकनीक से भी बच्चा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में बेटे की चाहत में रमेश और उसकी पत्नी पायल ने बच्चे को किडनैप करने का प्लान तैयार किया। दोनों पति पत्नी जयपुर आए। पुलिया के नीचे यहाँ पर कुछ बच्चे हंस खेल रहे थे। 15 दिन तक पत्नी पायल ने रेकी की। मौका देखकर जैसे ही बच्चे से माँ बाप की नजर हटी तो पायल और रमेश ने बच्चे को किडनैप कर बाइक पर ले गए। बच्चा चोरी करने के लिए रमेश ने बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। रमेश ने 2 साल ले जाकर बच्चे को किराए के मकान में छुपा दिया। हालांकि पुलिसिंग और तकनीकी टीम की मदद से रमेश और पायल आज पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामले को लेकर DCP कावेंद्र सागर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपहरण की घटना हुई थी होटल बिलाकासा के पास से, अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे फ्लाईओवर है, उसके नीचे से एक बच्चे का अपहरण हुआ था। 9 महीने का बच्चा था, अशोक नाम का। तो आज हमने उसमें हमारी पुलिस को सफलता मिली है और 2 लोगों को, पति पत्नी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और बच्चे को सफलतापूर्वक हम लोगों ने दस्तयाब कर लिया। इसमें जो पति है उसका नाम रमेश है और जो महिला है उसका नाम पायल है। ये दोनों लोग जो है मुंडली गांव है, तुंगा थाना क्षेत्र में, वहां के रहने वाले। आप देख रहे थे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।